पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। पहले आप जुड़ जाइए, सारे के सारे पहले मेरे साथ जुड़ जाइए। ये क्या हो गया? बिल्कुल, मेरे साथ सारे लोग जुड़ चुके हैं और सारी क्लासेस, सारे बच्चे। एक बार जल्दी से इसको शेयर शेयर भी कर दीजिए क्लास को, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर पाए हमारे एज इट इज रूटीन के साथ। गुड मॉर्निंग राजीव, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग शेखर। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अभी क्या होने वाला है ना, कि अभी सर्दियां हो रही हैं थोड़ी सी कम, है ना। जैसे काफी सारे तो हमारे साउथ के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो हमारे नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगी यहाँ पे कि यहाँ पे ना आपका जो क्लासेस हैं भैया, 5 मिनट के लिए इतना क्या इशू हो गया, कांति इतना क्या इशू हो गया, सुबह सुबह इतना गुस्साएंगे तो बीपी हो जाएगा हाई और गड़बड़ हो जाएगी। तो सुबह सुबह पहली क्लास देख रहे हो आप, तो थोड़ा खुश होके देखो, इतना गुस्साने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट क्लास ऑन करके पानी वानी पीजिए, फ्रेश करिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, कहाँ इशू हुआ है बताइए। चलिए, ये क्लास आपकी अभी थोड़ी सी विंटर्स कम हो गई हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। और सर्दियां गर्मियां अगर हम साइड भी कर दें, तो ग्रुप डी का एग्जाम में रह गए आपके पास कम से कम 40-45 दिन, तो उनको जरा अच्छे से फॉलो करते हुए आज की क्लास जो है ना वो शुरू करते हैं। देखिए, सुबह सुबह गुस्सा आ जाते हैं, इतना सुबह सुबह गुस्साएंगे तो बीपी पूरे दिन खराब रहेगा और गड़बड़ हो जाएगी। मैं चाहती नहीं किसी का बीपी और कुछ भी दिक्कत करें, ठीक है। चलिए, आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस। अच्छा, उड़ीसा में भी ठंड है, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो अभी अभी क्या है ना, अभी अगले महीने से थोड़ा सा ये फरवरी वैसे भी बेकार सा महीना होता है ना, मतलब वैसे हवाएं अलग चल रही होती हैं। अगले महीने से बढ़िया मौसम हो जाएगा, तो उठने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर। अभी देखो, इतना इंटेलिजेंट तो आप हो ही गए हो। साइंस के 15 मिनट में 40 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हमने शुरू की है, और मैंने आपको बोला था इसका टाइमिंग्स जो है वो मैं बता दूंगी। तो आप लोगों को याद रखना है कि साइंस की जो 15 मिनट की जो सीरीज है वो हम 9:30, और जीके की जो सीरीज है उसको हम 9:40 PM रात में करने लग रहे हैं। तो एक बार दिन शुरू भी मेरे साथ करिए और दिन खत्म भी मेरे साथ करिए, ठीक है। तो ये याद रखिए, यहाँ पे आपकी ये जो सीरीज है इनको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा उनको यही चीज अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी जुड़िएगा यहाँ पे, और हमारी जो क्लास होने वाली है उसमें हम ये 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, और धीरे धीरे मैं इसका टाइम भी रिड्यूस करती जाऊंगी, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, एक तो 9:30 बजे और एक 9:45, ये क्लास देखना नहीं भूलिएगा, रिविजन अगर जो है ना वो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ग्रुप डी का क्रैश कोर्स के हिसाब से साइंस की क्लास जो है वो आपकी 8:30 से 9:30, इसमें हम क्वेश्चंस के साथ थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। और आज है अनअकैडमी पे आपकी तीसरी क्लास केमिस्ट्री की, जो हमने फाउंडेशन बैच रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आप शिप्रा लाइव कोड जो है इस्तेमाल कर सकते हो, और अनअकैडमी की क्लास जो है उसको फॉलो कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आप शिप्रा लाइव कोड इस्तेमाल कर लीजिए, आराम से 10% डिस्काउंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लेट स्टार्ट विद दिस। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2021? जल्दी से, अब यहाँ पे जो भी है, 9:30 सुबह नहीं, 9:30 शाम को, 9:45 शाम को, पूरा दिन में यहाँ पे सारा का सारा काम। अब मेरी जॉब क्या है और बाकी सारी चीजों को, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, और एक बार आंसरिंग मोड पे आ जाइए, जल्दी से स्विच कर लीजिए अपना मोड और आंसरिंग मोड पे आ जाइए फटाफट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और आज मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें बताने वाली हूँ। एक तो चाइना का हमेशा अपने नेबर के साथ डिस्प्यूट क्यों होता है, और कौन सी के साथ डिस्प्यूट होता है, ठीक है, याद रखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2021? तो विश्व रेडियो दिवस 2021 का जो थीम था वो था न्यू इंडिया न्यू रेडियो, ठीक है, न्यू इंडिया। अच्छा, न्यू दुनिया क्यों लिखेंगे हम, अरे न्यू इंडिया न्यू रेडियो या न्यू वर्ल्ड एंड न्यू रेडियो, बताओ, न्यू वर्ल्ड एंड
न्यू रेडियो करके, ठीक है। यहाँ पे हम विश्व, जब भी इस पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड रेडियो डे 2021 का जो थीम था वो क्या था, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो करके, ठीक है। हु वुड बी नेम्ड द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमारा यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड, न्यू वर्ल्ड एंड न्यू इंडिया, न्यू वर्ल्ड एंड न्यू रेडियो, सी जो है वो करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सी ही होगा इसका आंसर, आपका पहला क्वेश्चन, एंड द आंसर इज व्हाट, सी, ठीक है, आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख का नाम जो है वो क्या है। अभी इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों में भी कराया था, तो नगोजी ओकोंजो आइवेला, ठीक है, नगोजी ओकोंजो आइवेला। और ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है ये भी बता दीजिए, और आंसर यहाँ पे क्या है, ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये बताइए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम एवं श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया गया है, काउंसिल ऑन डोमेस्टिक असिस्टेंट ऑन लेबर एंड लेबर, ठीक है। ये हमारा काउंसिल ऑन डोमेस्टिक असिस्टेंट एंड फॉर लेबर एंड लेबर करके, नाइजीरिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे नाइजीरिया, इबोला वायरस, ठीक है, नाइजीरिया से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए कितना दिमाग, कितने अच्छे से हम कई सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं ना, तो बेहतरीन तरीके से ना ये पूरा करिए और चीज़ों को कंप्लीट करिए, ताकि ग्रुप डी मतलब ऐसा हो जाए कि 45 में से आपको उनके ऑप्शंस के भी आंसर्स पता हो कि ये ऑप्शन कब इस्तेमाल होता जब क्या क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। जो बिडन ने प्रोनिता गुप्ता को, याद रखिए प्रोनिता गुप्ता को काउंसिल ऑफ डोमेस्टिक असिस्टेंट फॉर लेबर एंड लेबर के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो प्रोनिता गुप्ता। विच इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड ₹100 करोड़ टू गुड़गांव बेस्ड हॉस्पिटल चेन मेदांता टू फाइट COVID-19 पेंडेमिक। COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए गुड़गांव स्थित अस्पताल श्रृंखला मेदांता को कौन सी संस्था ने ₹100 करोड़ प्रदान किए हैं, बताइए। विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज गिवन दी ₹100 करोड़ टू गुड़गांव मेदांता। मेदांता गुड़गांव का काफी अच्छा हॉस्पिटल है डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से, सर्जरीज के हिसाब से, तो ADB करके याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किधर में है ये बताइए जल्दी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, सारे हेडक्वार्टर्स मैंने आपको लर्न कराए हैं तो उस हिसाब से जरा बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये सैटरडे को, अरे अरे वर्ल्ड रेडियो डे कहाँ रह गया, सैटरडे पीछे रह गया, सैटरडे को मनाया जाता है, 13 तारीख को मनाया जाता है, 13 फरवरी, मनीला याद रखना है। वर्ल्ड ADB का जो हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मनीला याद रखना है, और मनीला किसकी राजधानी है तो फिलीपींस करके याद रखिए, मनीला जो है वो किसकी राजधानी है, फिलीपींस की। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मार्क लिस्टोसेला एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO एंड MD। हाल ही में किस कंपनी ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी कि MD जो है उसको चुना है, तो टाटा मोटर्स लिमिटेड याद रखिए, ठीक है, TML, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने हाल फिलहाल में मार्क लिस्टोसेला को अपना मुख्य अधिकारी या CEO के रूप में चुना है, ठीक है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ कैपिटल इन स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द करेंट क्वार्टर। वित्त मंत्रालय ने चालू तिमाही में सरकारी स्वामित्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों के कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने का बड़ा फैसला लिया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 3000 करोड़ करेक्ट आंसर है, ठीक है, 3000 करोड़ जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट करेगी इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो आपको पता होगा कि व्हीकल से लेके हर चीज का इंश्योरेंस अभी इंपॉर्टेंट हो गया, और आगे आने वाले कुछ टाइम में ह्यूमंस का इंश्योरेंस जो है वो भी इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट
के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। आप लोग को पता होगा इनको हम स्टार्टअप्स बोलते हैं, स्टार्टअप्स, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मेक इन इंडिया की जो योजना है वो इन्हीं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो चाहे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो। तो कौन सी सरकार के द्वारा ये साझा किया गया है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है, जय महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ अपना एक समझौता किया है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट उस स्टेट के अंदर जितने भी शिल्पकार हैं या जो स्थानीय कलाकार हैं उनको, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा देगा और उनको फ्लिपकार्ट पे बेचेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव निम्न में से किसको चुना गया है, तो प्रीति शिनॉय घर के, प्रीति सिन्हा, सॉरी प्रीति सिन्हा, प्रीति सिन्हा करके याद रखिए यहाँ पे, प्रीति सिन्हा, राइट। और यहाँ पे अच्छा ये दोनों ही इंग्लिश में सेम है, शास्त्री करके इसको लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर प्रीति सिन्हा याद रखिए। UNCDF का पहले तो फुल फॉर्म लर्न करिएगा, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये याद रहेगा। प्रीति सिन्हा जो है वो करेक्ट आंसर। UNCDF कब फाउंड हुआ था बताइए, फाउंडिंग ईयर जरा इसका बता दीजिए कि कब इसको खोजा गया था, कब फाउंड किया गया था। दूसरी चीज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो खोजने की जो इसकी साल है वो आपको 1966 लर्न करना है। और दूसरा ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट रोड जिसे बोला जाता है न्यूयॉर्क करके इसको डिफाइन करते हैं। एंड प्रीति सिन्हा को इसके लिए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है वो इनको घोषित किया गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ये भी याद रखना है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है उसको भी, मतलब उनको घोषित किया गया है। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द हॉल ऑफ फेम इन द 20th अवार्ड ऑफ इंडियन टेलीविजन अकेडमी, भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कार में निम्न में से किसको हॉल ऑफ द फेम जो है वो पुरस्कारित किया गया है, तो सीरियल क्वीन जिन्हें बोलते हैं, एक के बाद एक सीरियल जिनकी सीरियल्स में कभी कोई मरता नहीं है और बार 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 आते हैं, तो एकता कपूर करके याद रखिए, एकता कपूर के सीरियल्स को या एकता कपूर को हॉल ऑफ फेम 20th अवार्ड इंडियन टेलीविजन अकेडमी, ठीक है, इंडियन टेलीविजन अकेडमी करके याद रखिए। हाल ही में किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है, वह किस राज्य की राज्यपाल थी, बर्निंग इशू अभी रिसेंटली इसके लिए काफी ज्यादा इशू जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। किरण बेदी पहली इंडिया की फीमेल आईएएस ऑफिसर, और ये किस किस स्टेट की या किस यूटी ल्यूटिनेंट गवर्नर, यूटी के लिए याद रखिए, यूटी यूनियन टेरिटरीज के लिए हम ल्यूटिनेंट गवर्नर लिखते हैं, और ये पोंडुचेरी की ल्यूटिनेंट गवर्नर थी। मैड्रिड, अच्छा ये 10 आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, अब आप स्टैटिक जीके के 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे, जरा ध्यान से आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप अपनी इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मैड्रिड जो है वो किसकी कैपिटल है, मैड्रिड को फुटबॉल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, फुटबॉल बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेन की कैपिटल बोली जाती है मैड्रिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड रॉकेट, रॉकेट का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है, रॉबर्ट गोडार्ड। हाउ कैन वी मेजर The स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिल्क, दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे नापा जा सकता है, तो इतना अगर आपको इतना पूरा पार्ट भी याद नहीं है तो आपको पता है कि मिल्क हैज द मैक्सिमम कंपोजिशन या मिल्क कैन हैव द कंपोजिशन ऑफ वाटर, लिक्विड है, तो हाइड्रो वर्ड से रिलेटेड लर्न कर लीजिए। हाइड्रोमीटर, मिल्क को नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होता है जिसमें, स्नेक विनोम इज हाईली मॉडिफाइड सलाइवा, ठीक है, देखिए कोई भी लार जो है ना, किसी की भी, अब एसिडिक तब हो जाएगी, या मान लीजिए कोई भी लार जो है वो जहरीली तब हो जाती है जब उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर उसका हो जाता है, तो हमारी जो लार होती है वो भी एसिडिक ही होती है, उसका नेचर भी एसिडिक ही होता है ना। तो सांप का जो जहर है वो इतना जहरीला इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी जो लार है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो याद रखिएगा जू टॉक्सिन्स करके आप लोग को याद रखना है, जू टॉक्सिन, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होता है, मॉडिफाइड सलाइवा, किसकी वजह से, तो जू टॉक्सिक की वजह से। कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, बिल्कुल ये मैं आपको करा चुकी हूँ इसी क्लास में, इससे पहले कई बार अपन ने करी है,
तो कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना क्या? अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी ना स्नेक वाले में, कोई दिक्कत नहीं है, जू टॉक्सिन्स करके याद रखिएगा, ठीक है, जू टॉक्सिन्स। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, पढ़ाया हमने पीछे अभी, तो ब्यूनिस एरेस करके याद रख लीजिए ब्यूनिस एरेस। ग्रुप डी के पेपर में आपको 110% एक कैपिटल पूछी ही जानी है, एक अपॉइंटमेंट जो है वो पूछा ही जाना है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपको करेंसी पूछी जाएगी। तो 20 क्वेश्चन में से जो जीके के आते हैं उसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि वो इसी एरिया से पूछे जाने वाले हैं। एक हेडक्वार्टर को लेके आएगा, एक स्पोर्ट्स को लेके आएगा, तो ऐसे कर करके ना हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक डांस फॉर्म्स को आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आएगा। तो इस तरीके का आपका ये पैटर्न सेट किया है कि आप 50 क्वेश्चन जो यहाँ पे हम करेंगे उसमें कम से कम आप 20-20 के दो सेट कर लो जीके के, ठीक है। ब्यूनिस एरेस इसका नाम। हु इन्वेंटेड द कॉन्टेक्ट लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो किसके द्वारा इन्वेंट किए गए थे, तो एडोल्फ गेस्टन ह्यूजेन फिक करके याद रखिए, एडोल्फ गेस्टन ह्यूजेन फिक, इनके द्वारा जो कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं उनको इस्तेमाल किया गया था या उनको आविष्कार किया गया था। और कॉन्टेक्ट लेंसेज की वराइटीज और वेरिएशन तो आपको पता ही है कि कॉन्टेक्ट लेंसेज जो है वो कई सारे कलर्स में भी आने लग गए। जंगल बुक किताब, अच्छा एक क्वेश्चन बुक से है ना, बुक्स एंड ऑथर, आर्ट एंड कल्चर या आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, डेज और डेट से रिलेटेड। तो तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन में से 10 के आसपास तो आपके स्टैटिक जीके की ही रहेगा, उसके अलावा कम से कम 10 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट वाइज हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो जंगल बुक जो है वो किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रुडयार्ड किपलिंग या क्रिपलिंग करके याद रखिए। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, अब इसमें दो नाम लर्न करते हैं लेकिन दोनों नाम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम डिस्कवर्ड के नाम बोलते हैं तो मैंने इसमें दूसरा ऑप्शन रखा ही नहीं है, शील, एक तो कार्ल शील करके याद रखिए कि जब भी आपको ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए पूछा जाए तो डिस्कवरी के लिए हमेशा आपको कार्ल शील करके याद रखना है। ऑक्सीजन किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो कार्ल शील के द्वारा डिस्कवर की गई थी। विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, खड़गपुर रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या कानपुर सेंट्रल, इन रेलवे स्टेशनों में से कौन सा रेलवे स्टेशन विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जा चुका है ऑलरेडी, तो आप लोग याद रख लीजिए खड़गपुर। हालांकि ये सबसे लंबा है ना, आपको पता है ना, हाँ ये द जंगल बुक करके आपकी एक मूवी भी है, एनिमेटेड भी है और ओरिजिनल भी है, तो मतलब ओरिजिनल तो कैसी होगी, एनिमेटेड ही है पर वहाँ पे अच्छे बच्चा जो है वो सच वाला बच्चा यूज किया हुआ है ना उसमें। रेलवे स्टेशन खड़गपुर रेलवे स्टेशन इंडिया का अभी तक का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था, लेकिन आपको अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए पूछा जाए तो याद रखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये जो है ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। जबकि इस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चे खड़गपुर रेलवे स्टेशन लिखते हैं, ठीक है, यहीं पे हावड़ा और सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल तो नहीं लिखते हो, कानपुर सेंट्रल हालांकि बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है लेकिन आप लोग खड़गपुर रेलवे स्टेशन लिखते हो। आज के बाद ये याद रखिएगा खड़गपुर रेलवे स्टेशन जो कि वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट और इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना ये क्वेश्चन। फर्स्ट मैन टू गो इन टू द स्पेस, पहला आदमी जो कि स्पेस में चले गए थे या उनको भेजा गया था, तो यूरी गैगरिन याद रखिए, यूरी गैगरिन जो है मेजर यूरी गैगरिन करके, यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले प्रथम पुरुष थे और इन्होंने जो अंतरिक्ष में प्रवेश किया था वो क्या किया था, 12 अप्रैल 1961 यूरी गैगरिन या मेजर यूरी गैगरिन 12 अप्रैल 1961 को यहाँ पे याद रखिए कि ये स्पेस में ट्रेवल करने वाले ये रूसी यात्री थे और पहले अंतरिक्ष यात्री भी थे, ठीक है। डेट याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये डेट पूछ लेते हैं, कई बार पूछा हुआ है, तो 12 अप्रैल 1961 कौन सी तारीख, आगे के मैं कुछ क्लासेस में इसकी डेट आपसे पूछूंगी तो आज के आज ही से लर्न कर लीजिए, ठीक है, 12 अप्रैल 1961 करके याद रखना है। द कॉमन नेम ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, फॉर्मूला मैं लिख रही हूं, आप इसका पूरा नाम बता दीजिए। देखिए Na2 before O7, ये मैंने आपको लर्न कराया था, टेट्राहाइड्रेट मैंने आपको टेट्राबोरेट लर्न कराया था, मैंने इसका फॉर्मूला आपको कैसे लर्न कराया था, नहा लो बिफोर सेवन,
ठीक है। तो मतलब ये 6 से 7 की क्लास से पहले ना आप नहा लिया करो आराम से, ताकि आँख खोल के बैठो यहाँ पे। Na2b4o7, और इसमें वाटर का क्वांटिटी कितना लर्न करना है आपको, वही 10 बाल्टी पानी। अब बिफोर 7 नहाएंगे तो भी 10 बाल्टी पानी यूज करेंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे करके लर्न करना है, पानी बचाना है, ठीक है। तो 10 मग्गे पानी, 10 मग्गे से नहा लो आप, इतना लर्न कर लो। सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2b4o7 10H2, और बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे इसको बोरेक्स करके बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोरेक्स करके इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यूसेज इसकी बहुत ज्यादा है। विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी डायबिटिक ड्रग, इनमें से कौन सी दवाई को हम मधुमेह रोधी दवाई या एंटी डायबिटिक ड्रग बोलते हैं? तो मेटफॉर्मिन याद रखना है, मेटफॉर्मिन जो है ना, मेटफॉर्मिन जो है ये डायबिटिक एंटी डायबिटिक दवाई है, बहुत कम मात्रा में दी जाती है, और ये उन लोगों को दी जाती है जिनका इंसुलिन का लेवल गड़बड़ हो जाता है। यानी कि इंसुलिन को ग्लूकोज कंट्रोल करना था, लेकिन इंसुलिन ही नहीं निकल रहा है, कहाँ से? बीटा सेल से। तो मेटफॉरिन करके याद रखिए। विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द इंडिया, तो बॉम्बे गैजेट या बंगाल गैजेट में, बंगाल गैजेट करके याद रखिएगा। बंगाल गैजेट जो है वो आपका क्या है, बंगाल गैजेट। आगे की किसी किसी, अरे आप हुबली इंडिया का सबसे बड़ा, अभी इसको चेंज किया था हमने यहाँ पे ना, खड़गपुर से, खड़गपुर की लेंथ तो अभी भी खड़गपुर की ज्यादा है, लेकिन हुबली जो रेलवे स्टेशन है उसके नंबर ऑफ यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए गए हैं वो ज्यादा है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जब भी लंबाई में आपसे पूछा जाएगा ना कि लेंथ में कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा है, तो खड़गपुर ज्यादा है, लेकिन हुबली जो है वो इसलिए नंबर 1 बोला जा रहा है क्योंकि इस पे जो प्लेटफॉर्म्स की संख्या है वो ज्यादा है। समझ रहे हो इन दोनों चीजों को? रेलवे स्टेशन हम ट्रेवल किए ही हैं, सारा चीजें हमको ये चीज क्लियर है। लंबाई का मतलब उस पूरे स्टेशन की लंबाई, जहां से शुरू हुआ प्लेटफॉर्म, जहां से खत्म हुआ। हुबली जो है उसमें नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म ज्यादा है, इसलिए वो उस कॉन्टेक्स्ट में नंबर 1 पे है, ठीक है। बंगाल गैजेट इसका करेक्ट आंसर। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसका मिश्रण किस क्या होता है, तो मीथेन और इथेन जो है वो हमारा CNG करके डिफाइन किया जाता है। CNG जो है वो मिक्सचर ऑफ दी मीथेन एंड इथेन करके यहाँ पे डिफाइन करना है। ATM जो है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? गोरखपुर में और भी ज्यादा है। अच्छा यूपी का, हमारे यूपी का गोरखपुर, ठीक है। एक क्वेश्चन कल इसी पे कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, और जितने भी आपके इसमें आते हैं उनको मैं अच्छे से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। इंडिया के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो टोटल रेलवे स्टेशन कितने हैं, टोटल रेलवे कितना कंप्लीट करती है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन, ये हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ATM का विस्तारित रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स करके बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, माई ट्रूथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? माई ट्रूथ, जस्ट माई ट्रूथ, माई ट्रूथ नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंदिरा गांधी करके याद रखिएगा। माई ट्रूथ नाम की जो किताब थी वो इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। मतलब सुबह सुबह भी कुछ लोग गुस्साए आते हैं, हैं उठे ही लो भाई डिसलाइक कर दो, मतलब सुबह सुबह भी गुस्सा के आते हैं कि ऐसा है कि हम सुबह सुबह उठे ही इसीलिए। भैया सुबह सुबह ना अच्छी चीजें करना चाहिए, सुबह सुबह मतलब अपने आप को फ्रेश करना चाहिए, नेगेटिविटी ना रखनी चाहिए ना फैलानी चाहिए, कैसा करते हो भाई। तैरताली, तैरताली जो है वो कौन सी स्टेट का फोक डांस है बताइए? तैरताली इज दी फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तैरताली कौन सी राज्य का लोक नृत्य जो है वो बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश करके याद रखिए, MP, ठीक है। MP का जो डांस है तैरताली जो है वो MP का फोक डांस करके यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा, क्या कहा जाता है? प्रकाश के तीव्रता को नापने की जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? तो ल्यूसी मीटर करके याद रख लीजिए। प्रकाश को अगर हमें नापना है, प्रकाश की तीव्रता को अगर हमें नापना है, तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे? ल्यूसी मीटर को इस्तेमाल करेंगे। द फ्लावर विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लूम बताइए, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला पौधा। मैंने आपको बताया था कितने ही फूल दे लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि रेफ्लीशिया आर्नोल्डाई जो है
कोई बात नहीं, पता नहीं मतलब पढ़ने के अलावा बाकी सब कुछ करना है, ये वाला इशू हो गया है। द फ्लावर विद दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लूम इज, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला जो फूल है वो कौन सा है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लूम जो फूल है वो कौन सा है? रेफ्लेशिया आर्मोर्डाई। और मैंने आप इसको आपका इसका पूरा डायमीटर भी बताया था यहाँ पे, सब इसका जो पूरा डायमीटर है वो कितना है यहाँ पे हमारे पास? 9 फीट, याद रखिएगा 9 फीट तक तो इस फ्लावर का, अगर ये पूरा ऐसा चौड़ जाए ना तो ये याद रखिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो पूरा 9 फीट करके हम बोलते हैं, 9 फीट की इसकी चौड़ाई है। अच्छा, रेफ्लेशिया से रिलेटेड ऑर्गन से संबंधित सत्या, आपकी जैसे ही नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नर्वस सिस्टम नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होते ही मैं आपको ऑर्गन संबंधित बीमारियां की क्लास आपकी करने वाली हूँ, तो टेंशन ना लीजिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्लूम जो है ये रेफ्लीशिया, और स्मॉलेस्ट आपको पूछा जाए तो कि आपको क्या बताना है, वॉल्फिया जो है वो आपको स्मॉलेस्ट प्लांट या फ्लावर बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, मतलब सही मायने में अगर भारतीय है ना तो इसका सही आंसर देंगे, और बिना किसी टेंशन के एक बार इस क्वेश्चन पे लाइक भी बनेगा जब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, सही मायने में अगर भारतीय है तो ये क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए। 9 फीट, 9 फीट, यस। डायामीटर जो है वो पूरा का पूरा व्यास इसकी 9 फीट होती है, एक इंसान से भी बहुत बहुत ज्यादा। अमेजॉन फॉरेस्ट में ये फ्लावर जो है वो पाया जाता है, ये वाला फ्लावर अमेजॉन के जो फॉरेस्ट है उसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन बताइए, पीसा टावर इज लीनिंग बाय 4 डिग्री, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? इटली में पीसा टावर जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। लेकिन रत्नेश्वर मंदिर जो कि मनी करने का घाट पे, काफी सारे बच्चे मेरे साथ यूपी से होंगे और मेरी आगे आने वाली 2-3 लाइनों को यहाँ पे थोड़ा सा अग्री करेंगे मेरे साथ। रत्नेश्वर टेम्पल जो मनी करने का घाट पे है वाराणसी में, ये कितने डिग्री से झुका हुआ है? बताइए कितने डिग्री से झुका हुआ है? 2.5, 3, 4 और 9। 30 क्वेश्चन नहीं बता, देखिए अब यहाँ पे मैं बताती हूँ थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को, आज के बाद लर्न करना एंड बीइंग एन इंडियन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए पीसा टावर 4 डिग्री से झुका हुआ है, ठीक है, एंगल की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, एंगल के हिसाब से। तो ये जो झुका हुआ है कितने डिग्री से झुका हुआ है? 4 डिग्री से झुका हुआ है, ठीक है। यहीं पे अगर वाराणसी का मणिकर्णिका घाट पे रत्नेश्वर मंदिर जो है ये कितने डिग्री से झुका है आपको पता है? 9 डिग्री से ये मंदिर जो है वो झुका हुआ है, और एज इट इज झुका हुआ है, इसकी तो कई हजारों सालों से है ये, ठीक है। इसकी जो पीसा टावर की जो लंबाई है वो है 183.27 फीट, ठीक है, 183.27 फीट करके जो है ना ये हमारी यहाँ पे क्या है, 183.27 फीट की पीसा टावर की ऊंचाई है। लेकिन यहीं पे आपको मंदिर की ऊंचाई पता हो तो 240 फीट जो है ये हमारे मंदिर की ऊंचाई है, तकरीबन तकरीबन 50 मीटर से, 50 फीट से ज़्यादा है, ठीक है, 50 फीट से ज़्यादा है, 9 डिग्री से झुका हुआ है। लेकिन हम इंडियंस भी पीसा टावर लर्न करते हैं, लेकिन हम ये रत्नेश्वर मंदिर नहीं याद करते। आज के बाद सबसे ज़्यादा टिल्टेड अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, तो आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे? 9 डिग्री से झुका हुआ इंडिया का, भारत का, अपने भारत का वाराणसी में लोकेटेड रत्नेश्वर मंदिर जो है वो 9 डिग्री से झुका हुआ है, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या हो गया। नहीं देखो, आंदोलन या स्टूडेंट्स के साथ खड़े ही हैं, अगर स्टूडेंट्स के साथ खड़े नहीं होते तो अच्छा ये बताओ कि हम पढ़ाई क्यों रहे होते? हम सरकारी नौकरी कर रहे, आराम से अपना पढ़ा रहे होते, हमें क्या दिक्कत थी? स्टूडेंट्स के साथ हम हमेशा खड़े थे 2018 से लेके अभी भी खड़े हैं, और हमेशा आगे चाहे पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, इसके लिए कोई डाउट नहीं करिएगा आप में से कोई भी। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप लोग के लिए क्लासेस वगैरह इसके ऊपर वीडियो करने वाली हूँ मैं, उसका टेंशन ना लीजिए आप। इसके ऊपर मैं अपने पर्सनल लेवल पे आके वीडियो करूँगी तो उसका आप टेंशन ना लो। आई एम ऑलवेज विद दी स्टूडेंट, चाहे अभी हम कुछ बोल रहे हैं नहीं, लेकिन यस वी आर विद दी स्टूडेंट। तो जो जॉब तो देना पड़ेगा, जो प्रॉमिस किए वो पूरे सरकार को करने ही पड़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? दैट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 368 करके याद रखिएगा, ठीक है, 368 करके याद रख लीजिए। आर्टिकल 368
368 जो है वो संविधान संशोधन से रिलेट करता है। अच्छा, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज मैं आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ, उनको ज़रा याद रखिएगा। चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्री। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चाइना की सीमा रेखा सबसे लंबी है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करने लग रही हूँ यहाँ पे, और इस क्वेश्चन का आंसर सही देना है बिल्कुल पेशेंस के साथ। अगले 10 मिनट के लिए सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली भी जब हम बात करते हैं तो भी, और वैसे भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी जब बात किया जाए तो भी। नाउ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मंगोलिया, नॉट द रशिया। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सारे के सारे जो है बिना आंखें खोले हुए या बिना मतलब ढंग से सोचे हुए रशिया आंसर कर देते हैं। याद रख लीजिए यहाँ पे इंडिया म्यांमार जो है वो इसका मंगोलिया, सॉरी म्यांमार, इंडिया, रशिया और मंगोलिया। इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट बॉर्डर जो चाइना शेयर करती है वो मंगोलिया के साथ शेयर करती है। और चाइना टोटल बॉर्डर कितनों के साथ शेयर करती है, ये याद रखिए कि चाइना जो है वो टोटल 14 कंट्रीज के साथ अपना जो बॉर्डर है उसको साझा करती है, जिसमें से, और इसका टोटल कुल लंबाई जो है ना इसके बॉर्डर की वो कितनी है, 42,116 किलोमीटर, जिसमें से वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, 14 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ चाइना जो है अपनी सीमा साझा करती है। और आप लोगों को ये जान के बहुत ही हैरानी, या नहीं भी होनी चाहिए हैरानी, लेकिन आप ये जान के ये चौंक जाएंगे कि चाइना का 14 के 14 कंट्रीज़ के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। क्यों? उसके एक्सपेंशन पॉलिसीज की वजह से चाइना हर कंट्री को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करता है। 14 कंट्रीज में से ये 14 के 14 डिस्प्यूट यहाँ पे है। देखिए, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, इंडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, सबके साथ इसके प्रॉब्लम्स हैं। अगर मैं यहाँ पे शेयर आपके साथ करूँ कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है ना वो किस किस के साथ है, तो चाइना इलीगली इंडिया, भारत की सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ इसकी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में नहीं, पूरा मैकमोहन लाइन पे इसका डिस्प्यूटेड रहता है, डिस्प्यूटेड स्टेज है मैकमोहन लाइन जो, मतलब ये सुन के भी अगर रोंगटे ना कांपे ना आपके, मतलब ये वाला क्वेश्चन और ये पूरी थ्योरी करने के बाद भी अगर रोंगटे ना खड़े हुए ना, तो फिर तो देखो फीलिंग कहाँ चली गई आप लोगों की, है ना। जरा ये देखो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करेंगे, 22,116 किलोमीटर की लाइन है, और जिसमें वो हर पूरे के साथ डिस्प्यूट करता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो है वो हमारा चाइना जो है, मतलब हम इंडिया, हमारा इंडिया जो है वो चाइना तिब्बत के साथ में लड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश यानी कि मैकमोहन लाइन का जो बॉर्डर है उसके साथ लड़ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा छोटे मोटे एरियाज जो यहाँ पे लोकेटेड हैं तिब्बत वाले के साथ, तो हमेशा ही लड़ाई हो रही है, और ये लड़ाई जो है इंडिया चाइना के साथ 1957 से ही लड़ रहा है। सेवरल एग्रीमेंट्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी चाइना जो है वो मानता नहीं है। पहला तो इंडिया ही हो गया मैकमोहन लाइन के पूरे बॉर्डर पे, दूसरा नेपाल काठमांडू का पूरा क्षेत्र, भूटान जो नेपाल राजधानी काठमांडू, 1415 का बॉर्डर चाइना शेयर करती है और पूरे उस बॉर्डर पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, कौन सा मैप कहाँ रहोगे भैया मेरे, कहाँ दिक्कत है सत्या, कहाँ मैप रहोगे? ये लेटेस्ट मैप है बिल्कुल जो मैं आपको दिखाने लग रही हूँ, और इसमें मैप तो मैंने अभी ड्राइंग नहीं किया, मैं आपको सिर्फ डिस्प्यूटेड लाइन बता रही हूँ। राइट, भूटान जो है वो थिम्पू, उसकी राजधानी, भूटान 470 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, 470 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया बोला जाता है। वियतनाम जिसकी राजधानी है हेनोई, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी जो है वो वियतनाम के पास में जितना भी एरिया आ रहा है साउथ चाइना सी का, वो पूरा का पूरा उसको कंट्रोल और पूरा उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ब्रूनी, बंदर सेरी, बेगावान, ये पूरा आइलैंड के पीछे एक लड़ाई हो रही है यहाँ पे। ताइवान और तैपाई की मैं बात करूँ या जापान और टोक्यो की बात करूँ, तो चाइना का ताइवान जिसकी राजधानी है तपाई, वो उसके साथ पूरा फाइट हो रही है मैकलेस फील्ड बैंक के लिए।
चाइना मैकलेसफील्ड बैंक जो है उसको लेना चाहती है, उसके अलावा पार्सल आइलैंड्स हैं, उसके अलावा शोल है, उसके अलावा साउथ चाइना सी का पूरा एरिया है, तो तपाई ताइवान को पूरे को कंट्रोल करना चाह रही है, जापान टोक्यो, जापान जो एक ऐसी कंट्री है जो बाकी इन डिस्प्यूट्स में पड़ती नहीं है, मतलब चाइना जो है वो ऐसी कंट्री है जो शांत कंट्रीज जो है ना जो चुपचाप जो बैठे हैं उनको भी छेड़ने की कोशिश करता है यहाँ पे। टोक्यो जो है जापान की कैपिटल, और जापान के इन तीनों आइलैंड्स के पीछे लगातार चाइना पड़ा हुआ है, सेनकाकू, डियाऊ और तियायूटो, ये सारे आइलैंड्स जो तीन हैं उनके पीछे चाइना जो है वो जापान को हरास कर रहा है पूरा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वैसे तो नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना का बहुत सगा बनता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने भी पूरा का पूरा एरिया जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बोलता है चाइना कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों मेरे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है। रशिया, मॉस्को राजधानी, अगेन पूरा का पूरा और रशिया जो है ना, पता है आपको, चाइना जो है वो लार्जेस्ट क्लेम जो है वो रशिया के साथ ही करता है, 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसके बाद इतना एरिया जो है वो चाइना रशिया के साथ अपने को क्लेम करने की कोशिश करता है। कजाकिस्तान की मैं बात करूँ तो 1,700 किलोमीटर का बॉर्डर और चाइना जो है इसको भी क्लेम करता है, तो ये क्वेश्चन जरा याद रख लीजिए। किर्गिस्तान की राजधानी क्या है जल्दी से बताइए, किर्गिस्तान, अच्छा ये कैपिटल्स लर्न करने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, ये हमने पहले भी कर लिया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, तजाकिस्तान की राजधानी दशनेब, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और म्यांमार की राजधानी रंगून, सबकी राजधानी याद रखिएगा। लेओस की राजधानी वियतनाम करके याद रखना है, मंगोलिया की राजधानी उलेन बतार करके याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फोर्ट, किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर याद रखना है, जैसलमेर का जो किला है उसको हम गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म, इलेक्शन कमीशन इंडिया जो है, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म, तो 1950 करके याद रखिए, 1950, ठीक है। Who put forward the theory of continental drift in 1915? 1915 में continental drift की जो theory थी वो किसके द्वारा बोली गई थी। continental drift का मतलब है कि जो पेंजिया था वो अपना divide हो गया यहाँ पे, और उसके बाद जो बहुत सारे जो यहाँ पे islands थे वो पूरा का पूरा define कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। तो who put the theory of continent drift in 1915, 1915 में theory of continent किसके द्वारा दी गई थी, तो Alfred Wegener करके याद रखिएगा, किसके द्वारा, Alfred Wegener, दोनों नाम याद रखना है यहाँ पे। Which country is the largest producer of geothermal energy, जियोथर्मल एनर्जी जो है, ये राहुल द्रविड, इनको ब्लॉक करो भैया, दूसरों का नाम यूज करके पता नहीं क्या, एक सेकेंड, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, ओके राइट। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, अच्छा पहले तो ये बता दीजिए कि जियोथर्मल एनर्जी जो है वो होती क्या है, आप में से किसी को जियोथर्मल एनर्जी को लेके कोई इशू तो नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी जो धरती के अंदर से निकल के हमारे पास जो एनर्जी आती है वहां पे जियोथर्मल एनर्जी, उससे रिलेटेड बोला जाता है। और सबसे बड़ा यहाँ पे, एक तो अपने नाम क्यों नहीं रखते हो हैं, ये राहुल द्रविड़ और ये यूएसए अमेरिका, ठीक है, ये इनको बंद करिए यहाँ पे, हदी है मतलब, और यूएसए करके याद रखिए, अमेरिका जो है वो जियोथर्मल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। द वर्ल्ड रेबीज डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन, विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, मनाना तो क्या ही है, वर्ल्ड रेबीज डे। रेबीज की सबसे पहली बार वैक्सीनेशन किसके द्वारा बनाई गई थी बताइए, द फर्स्ट वैक्सीनेशन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर हुम बताइए जल्दी जल्दी। द वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड या वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यहाँ पे तो September 28 याद रख लीजिए, 28 सितंबर को रेबीज डे मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। यस एग्जैक्टली रोहित,
अर्थ से जो भी एनर्जी या हीट या ऊष्मा निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन करके हम डिफाइन करते हैं। एग्जैक्टली, वैक्सीनेशन करके जो भी अर्थ से जो हीट निकलती है उसको हम जियोथर्मल बोलते हैं। और वैक्सीनेशन लुईस पास्टर के द्वारा सबसे पहले किसकी बनाई गई थी, रेबीज की बनाई गई थी। तो लुईस पास्टर के द्वारा सबसे पहली बार वैक्सीनेशन इनकी बनाई गई थी 28 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर, द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी इज लोकेटेड इन, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन। बताइए एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, आज ही की क्लास में कर लिया है। देखिए धीरे धीरे चीजों को ना एक लेवल के ऊपर तक लेके जाना है। जैसे अभी तक सिर्फ आपको मनीला याद था, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ये भी याद रखना है। अब इसके बाद से आपको याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मेट्रो मनीला में लोकेटेड है, ठीक है, मेट्रो मनीला याद रखिएगा आज के बाद, ठीक है, मेट्रो मनीला में लोकेटेड है ये, तो मेट्रो मनीला करके आज के बाद याद रखना है। मनीला वैसे तो ठीक है लेकिन आज से क्या याद रखना है, मेट्रो मनीला करके भी याद रखना है। द थालचार थर्मल पावर स्टेशन इज बेस्ड इन विच स्टेट, थालचार थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कौन से राज्य में लोकेटेड है। अभी जब क्लास शुरू हुई थी तो ठंड और गर्मी की बात हो रही थी तो मैंने उस स्टेट का नाम लिया था, क्या रहेगा आंसर, मतलब पूरा ऐसा नहीं नींद में उठ के फोन ऑन कर दिया और पढ़ रहे, नहीं भाई पूरा प्रॉपर लर्न करना है। तालचार थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा करके याद रखिएगा। इंदिरा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, इंदिरा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स करके, तो इंदिरा गोल्ड कप पूरा नाम लर्न करना, मैंने आपको कहा था जब भी आप इन चीजों को लर्न करो तो याद रखिए थालचार उड़ीसा में लोकेटेड है, गुजरात का ही लर्न कर रहे हैं यहाँ पे, थालचार उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। इंदिरा गोल्ड कप जब आप लर्न करो तो ऐसे लर्न करना है इंदिरा गोल्ड हॉकी कप, ठीक है, इनको लर्न करने का जो कप्स हैं उनको लर्न करने का एक ही सबसे बेहतरीन तरीका है, जब आप इनको लर्न करो विद दी नेम और उसके मैच के साथ, जैसे इंदिरा गोल्ड हॉकी कप यानी कि उसके स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है, आज की बात याद रखिएगा। इंदिरा गोल्ड कप ये किसके लिए लोकेटेड होता है, हॉकी के लिए। कुनबी डांस ये नेटिव फोक डांस है कौन से राज्य का, तो कुनबी जो डांस है वो कौन से राज्य से लोकेटेड है, तो गोवा करके याद रखिएगा, ये गोवा का फोक डांस करके बोला जाता है। फागु चौहान ये किस भारतीय राज्य के वर्तमान गवर्नर हैं, फागु चौहान बताइए इस टाइम पे, फागु चौहान इज द करंट गवर्नमेंट ऑफ विच इंडिया स्टेट, विच इंडिया स्टेट, तो याद रखना है आपको बिहार करके याद रखिएगा द करंट, अच्छा बिहार में अभी पूरा का पूरा कैबिनेट भी बना है यहाँ पे और इलेक्शंस वगैरह जो हुए हैं, तो आपके जो एग्जाम का ईयर होता है यहाँ पे तो एग्जाम के ईयर के हिसाब से आपको उसके स्टेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी याद रखने पड़ते हैं, और उसके बाद उसकी जो कैबिनेट में गवर्नर वगैरह जो है वो पूरा का पूरा, क्योंकि शपथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा लर्न करना है। बिहार इसका करेक्ट आंसर। कल्लानाई डैम इज सिचुएटेड और बिल्ड इन विच स्टेट, कल्लानाई डैम के लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि कल्लानाई डैम जो है ये भारत का सबसे पुराना बांध है, ठीक है, क्या है, पुराना बांध इसको हम बोलते हैं, ये भारत का सबसे पुराना बांध बोला जाता है, राइट। तो कल्लानाई बांध किस राज्य में बना हुआ है, तो आपको कौन सी राज्य, इसका आंसर तमिलनाडु होगा, पीछे कुछ बच्चे जो है वो तमिलनाडु आंसर कर रहे थे, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु जो है वो इसका कल्लानाई डैम का करेक्ट आंसर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने आपको 15 मिनट वाला जो सेशन था 40 क्वेश्चन का उसमें कल की क्लास में सारी रैंक्स बताई थी इंडिया की, हमने 10 इंपॉर्टेंट रैंक्स के बारे में बात किया था, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको लर्न करना है कि भाई कौन से किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, दूसरा आपको लर्न करना है भैया इसमें पहले नंबर पे कौन है, इतना तो हम लर्न ही कर ही सकते हैं ना, मतलब वैसे कभी कभी लगता है जीके बहुत ज्यादा है, अगर एक आधी चीजें कितना भी हम 100% लर्न करेंगे या 100% पढ़ेंगे अपना, उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ भूल ही जाएंगे, समुद्र की तरह है, हम समुद्र के बारे में बहुत कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी 5% से ज़्यादा कुछ नहीं जानते, ये वही वाली बात है। जीके अगर हम 5 से 10% भी सीख जाएं तो शायद हमारा एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF के द्वारा
जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर हो जाता है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लर्न करते जाइए, आंसर दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, आंसर एग्जैक्टली 63 करके याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक नहीं देती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है, जिसका खुद का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, वॉशिंगटन DC यानी कि अमेरिका US में लोकेटेड है। उसके अलावा 1944 में इसको खोजा गया था, और अभी एट प्रेजेंट इसके जो आपसे अगर आपसे प्रेजिडेंट पूछ लिए जाए तो डेविड मैलपैस करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। डेविड मैलपैस जो है वो यहाँ पे हमारे इस टाइम पे उसके प्रेसिडेंट जो है वो बन के बैठे हुए हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके याद रखना है, याद रहेगा, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन करता है, वर्ल्ड। अच्छा, इससे लर्न करो, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जब भी बिजनेस होती है तो उसके लिए यहाँ पे बात करते हैं कि याद रखिए कि इकोनॉमिक्स जब भी बोली जाती है तो हमेशा ये पैसों से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसके लिए बात करना है इकोनॉमिक फोरम करके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके। तो डेविड मैलपास वॉशिंगटन DC 1944 में इसको खोजा गया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन OPCW, OPCW के अंदर। अब OPC क्या है मैंने बता दिया, तो आप आंसर बता दोगे, पहले आप आंसर बताओ फिर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी यहाँ पे। जल्दी जल्दी, व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी चेंज हो गया है ना। डेविड मैलपास ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के हैं या वर्ल्ड बैंक के लिए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज रिलीज्ड बाय व्हाट, अच्छा ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रिवेसी नहीं, इकोनॉमिक से रिलेटेड यहाँ पे वो डेविड मैलपास आपके वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है ना, हेडक्वार्टर से रिलेटेड। ओके राइट, वर्ल्ड बैंक करके, वर्ल्ड बैंक करके याद रखते हैं इसके लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के हेड है यहाँ पे, तो आंसर भी आपका यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ही करके अपना डिफाइन करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंड फॉर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन OPCW, तो सबसे पहले तो OPCW याद रख लीजिए क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन। अब तो ये बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, ठीक है, अब तो ये बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, वर्ल्ड बैंक ही है, अब ये नहीं भूलेंगे ना बिल्कुल भी, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स करके याद रखना है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये केमिकल वेपन्स यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड है, तो उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, प्रोहिबिशन वर्ड जो है वो इसको यहाँ पे लर्न करिएगा अच्छे से। रिसेंटली विच कंट्री आर्मी हैज अवॉर्डेड द गार्ड ऑफ द ओनर ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवने। अरे, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और कई सारे बच्चे इसका आंसर कुछ और कर रहे थे, इसका आंसर बता दीजिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी नहीं भूलेंगे ना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे कभी भी, प्रोहिबिशन वर्ड सही है। गार्ड ऑफ ऑनर टू दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवने, ठीक है, इनको किसके द्वारा दिया गया था यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर, तो आपको सऊदी अरेबिया करके याद रखना है, ठीक है, सऊदी अरेबिया। फिर नेपाल, नेपाल क्यों आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, मैंने आपको पहले भी आंसर सऊदी अरेबिया नहीं बताया, लेटेस्ट बात करिए भैया, लेटेस्ट सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया नहीं बताया मैंने आपको आंसर, इसके लिए मैंने पहले भी आपको साउथ अरेबिया बोला था, नेपाल गार्ड ऑफ ऑनर, लेटेस्ट बात करिए, लेटेस्ट लेटेस्ट अभी साउथ अरेबिया इसके लिए आंसर करना है भैया, इतना काई कंफ्यूजन हो रहा है, हम पहले भी आपको बोले थे कि इसमें अभी नेपाल हटके आंसर साउथ अरेबिया कर दीजिए, लेटेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो साउथ अरेबिया करके याद रखना है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020, तो आंशा विश्वास करके याद रखें, आंशा विश्वास। PM वानी स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया,
पीएम वाणी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, और इनको जरा बोलो क्या, और यहाँ पे पीएम वाणी जो है वो पीएम वाणी स्कीम जो है वो इंटरनेट स्कीम से रिलेटेड है, और मोदी जी को बोलेंगे यहाँ पे जरा हमें रोजगार दो, है ना। अच्छा ये देखो, गार्ड ऑफ ओनर जब भी आपको आएगा, गार्ड ऑफ ओनर, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, गार्ड ऑफ ओनर आपको साउथ अरेबिया से रिलेट करना है, ठीक है। अंगसा विश्वास, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार खारा, ठीक है, डी के खारा करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा। SBI का अभी रिसेंटली चेयरमैन आई, SBI लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो दिनेश कुमार खारा। विच इंडियन वुमेन शूटर हैज वन अ गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर, मतलब 10 मीटर एयर इवेंट इन इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग कॉम्पिटिशन? भारत की किस महिला निशानेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए। दिनेश कुमार खारा, बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स आपको सारी लर्न करनी है, टाइम टू टाइम आपको लर्न कराई जाएगी, बट एग्जैक्टली थोड़ा सा इसको अच्छे से लर्न करना है यहाँ पे दिनेश भाई को। अच्छा बहुत बढ़िया, दिनेश कुमार खरा, ठीक है, दिनेश कुमार खरा करेक्ट आंसर। उसके अलावा 15 मिनट में ग्रुप डी के 40 क्वेश्चन, ये आपकी क्लास जो है आज होने वाली है 9:30 पे शाम को, ठीक है। 9:30 पे आपकी पहले साइंस की क्लास होगी, एंड देन 9:45 पे आपकी जीके की क्लास होगी। 15 मिनट देने हैं, मैं आपके लिए इसको और भी छोटा ही करती हूँ, खत्म करने की कोशिश करती हूँ इसको 13 से 14 मिनट में, लेकिन 9:45 पे, यानी कि 9:45 पे आप लोगों के लिए आज, और 9:30 पे आज शाम को डेली ये क्लास जो है ना वो आपकी चलने वाली है, इनको जरा अच्छे से फॉलो करिएगा। उसके अलावा ग्रुप डी का क्रैश कोर्स के रूप में ये जीके की क्लास जो स्टैटिक जीके आपने देखा, उसके अलावा साइंस की जो क्लास है वो आपकी 8:30 यानी कि 8:30 बजे, 8:30 AM पे सुबह ही, ठीक है, 8:30 बजे। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री आपका मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, केमिस्ट्री आपका 6 से 7 बजे ऑलरेडी स्टार्ट है, राइट। आंसर बताऊंगी, पहले ये सुन लो, नहीं तो ना पहले ही भाग जाते हैं कुछ बच्चे ना। 6 PM to 7 PM, थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है, 6 PM to 7 PM यानी कि शाम को 6 से 7 अन अकेडमी पे 18 फरवरी से केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, और हमने उसमें 2 क्लासेस कर ली हैं। तीसरी क्लास आज मंडे को 6 से 7 है, उसको जरूर फॉलो करिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है यशस्विनी सिंह देशवाल जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। यशस्विनी सिंह देशवाल ने 10 मीटर एयर इवेंट में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग कंपटीशन जो कोविड के टाइम पे हुआ था उसके लिए आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। 9:30 पे पहली क्लास शाम को है, ये शाम को, ठीक है, ये पीएम है, ये पीएम है, 9:30 PM रात के 9:30 बजे, रात के 9:45 पे, और साइंस की क्लास सुबह 8:30 बजे। न्यूमेरिकल्स मैं आपको केमिस्ट्री खत्म होते ही न्यूमेरिकल्स की फिजिक्स की 10 क्लासेस जो है वो मैं आपके लिए लगाऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा। अरे भूपेंद्र, इन चीजों के लिए टेंशन ना लिया करो, जब यहाँ पे खड़े होके हम पढ़ा रहे डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग हैविंग जॉब तभी भी आपको पढ़ा रहे, तो इसका मतलब हम आपके साथ ही हैं, इन चीजों का टेंशन ना लो। यस द गवर्नमेंट अगर 1 लाख वैकेंसीज और उसके अलावा SSC में वैकेंसीज निकाले हैं तो उनको जॉब तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन चीजें वाइजली थोड़ा सा देखे और चीजों को वाइजली थोड़ा सा लेके जाना है, ठीक है। ओके राइट, एनीथिंग एल्स, अब आज मिलते हैं 8:30 बजे की क्लास में, साइंस की क्लास में, जिसमें आज मैं आपको ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आईज अच्छे से रिवाइज कराने वाली हूँ, और साथ में 10 क्वेश्चन जो है वो हम ह्यूमन ब्रेन के भी करने वाले हैं, ठीक है। तो ब्रेन भी कंप्लीट करेंगे, आईज भी कंप्लीट करेंगे, और ईयर्स भी, ताकि हमारा दिमाग खुला रहे, आंखें खुली रहें और कान सतर्क रहें, ठीक है। तो ये हमारा आज की क्लास में, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच आज के लिए, लेट्स मीट इन दी सेकेंड क्लास 8:30, और इस सेम क्लास के लिए मिलेंगे हम कल सुबह 6 बजे। उसके अलावा स्टेप 1 आपको अन अकेडमी की जो 6 से 7 की जो आपकी इसकी क्लास है ना केमिस्ट्री की, कई बच्चे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप अन अकेडमी पहले डाउनलोड कर लीजिए, अपनी इंफॉर्मेशन भर दीजिए, आप SSC एग्जाम्स में फ्री लाइव क्लासेस में जाइए,
ठीक है, एसएससी एग्जाम में फ्री लाइव क्लासेस में जाइए, वहां शिप्रा चौहान टाइप करिए और उसके बाद फॉलो करिए, आपको केमिस्ट्री की क्लास भी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, एक ये चीज है कि क्लास के लिए आपको एनरोल करना पड़ता है, मतलब आपको क्लास के लिए भी कोड डालना पड़ेगा, फ्री क्लास है, कुछ आपसे चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन शिप्रा लाइव कोड यूज करके फिर उसमें आप पीडीएफ वगैरह भी ऑप्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए, अच्छा इस क्लास की पीडीएफ इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आप लोगों के लिए अपडेट हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, ऐप और उसके अलावा जो टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए टेलीग्राम में भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, ऐप में आपको पीडीएफ क्लास के अभी 10 मिनट बाद अपडेट हो जाएगी। अभी आप क्लास खत्म कर लीजिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए, उठ लीजिए, चाय पी लीजिए और फिर पीडीएफ के लिए आप आ जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए, अभी 8:30 वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक आराम करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस प्रसन्न रहिए।